नमस्कार दिस इज़ रोहित शंकर माने एन ए वॉचिंग साइंटिस्ट आर एकेडमी टू वर्ड साइंटिफिक वर्ल्ड इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी इंट्रोडक्शन देखो माइक्रोबायोलॉजी क्या है इसमें क्या क्या स्टडी होता है कैसे कैसे स्टडी होता है इसमें कौन कौन से ब्रांचेस है ये सारा हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं इस लेक्चर का मोटिव एक ही है जो नए बच्चे आते हैं बी फर्स्ट ईयर में जो अभी अभी ट्वेल्थ पास होके तो उनको पता नहीं होता कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है इसका स्कोप क्या है इसके ब्रांचेस क्या है वो सब हम इस लेक्चर में शॉर्ट देखने वाले हैं तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि आपको माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड एंड अदर सब्जेक्ट रिलेटेड डेली वीडियोस मिलती रहे तो पहले तो देखें इंट्रोडक्शन see the microorganisms world is not so much explored by the microbiologist so as we start on to explore the world of microorganisms one of the first gears we will observe is their unexpected diversity so iska mat lab ha microorganism ka जो निर्माण है या फिर उनकी जो स्टडी है इतनी ज़्यादा एक्सप्लोर की गई नहीं है बाय दी माइक्रोबायोलॉजिस्ट उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं तो इसीलिए क्या है ना जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मतलब जीव जंतु यहाँ पर पृथ्वी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोब्स एंड दे आर अवेलेबल एवरीवेयर ऑन द अर्थ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी कहा जाता है और वो पूरी अर्थ पे अवेलेबल है वो हवा में है पानी में है सब जगह अवेलेबल है दे आर प्रेजेंट इन द दॉयल वाटर एयर प्लांट्स ऑन द मोबाइल स्क्रीन टी वी स्क्रीन ऑन द स्टडी टेबल एंड इन ऑन द डिसीज और हेल्दी एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ये सभी जगह है सॉइल में है वाटर में है एयर में है प्लांट्स में है मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर है टीवी के स्क्रीन के ऊपर है सभी जगह ये अवेलेबल है व्हेन वी थिंक अबाउट माइक्रोबायोलॉजी डिफरेंट क्वेश्चंस विल अराइज जब हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में विचार करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है माइक्रोबाइलॉजी uh, कैसे एग्जिस्ट करता है इस सब्जेक्ट का महत्व क्यों है वाई वी गेंद प्रेजेंट नॉलेज ऑफ माइक्रोबोलॉजी हमको प्रेजेंट माइक्रोलॉजी नॉलेज क्यों लेना है माइक्रोबोलॉजी का स्कोप क्या है माइक्रोबोलॉजी का स्कोप क्या है और ये स्कोप हमारे सोसाइटी से रिलेटेड है क्या

विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन बाई द नेचर माइक्रोबाइलॉजी एक विज्ञान का स्टडी होता है विज्ञान का स्टडी है इस स्टडी में जो हमको आँखों को दिखाई नहीं देते ऐसे जीव जंतु का स्टडी किया जाता है देखिए ओवर टाइम से माइक्रोबाइलॉजी में ऐसे जीव जंतु का स्टडी किया जाता है जो हमको आँखों को आँखों को दिखाई नहीं देते

इंक्लूडिंग माइक्रोबल इकोलॉजी molecular बायोलॉजी इम्यूनोलॉजी इंडस्ट्रियल microbiology एंड the बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि मैंने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जंतु हैं जीवाणु हैं, उनको हम हमारी ओपन आइज से नहीं देख सकते उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरी है लेकिन इन डेढ़ सौ साल में इन डेढ़ सौ साल में बहुत की वजह से बहुत सारे टेक्नोलॉजी की वजह से माइक्रोबाइलॉजी बहुत डेवलप हुआ है और उसकी वजह से बहुत सब डिसिप्लिन भी निकले हैं जैसे माइक्रोबल इकोलॉजी है मॉल्यूकुलर बायोलॉजी है इम्यूनोलॉजी इंडस्ट्रियल माइक्रोबोलॉजी एंड द बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस टाइप्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ दैट इज़ बैक्टीरिया आर एंड एन इकोरीट एंड दे आर बाई फार द मोस्ट अबंडेंट लाइफ ऑम जन अर्थ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे प्रकार हमें पाए देते हैं जैसे कि वहाँ पे हमें पता है कि थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ है जहाँ जिसमें बैक्टीरिया आर की एंड आता है माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल एजेंट्स इंक्लूड बैक्टीरिया आर की प्रोटिस्ट दैट इज प्रोटोजोन एल्गी फंगी प्रोटिस्टिक वर्म्स एंड द वायरसेस जो माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल एजेंट्स है उसमें खास करके बैक्टीरिया आता है बैक्टीरिया आता है आता है जो दो प्रकार के होते हैं प्रोटोजोआ एंड देन फंगा आता है एंड वर्म्स एंड वायरसेस आते हैं अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल टू सर्टन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मे कॉज सीरियल डिजीज लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम हमारे पास अवेलेबल है उसमें से सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम को मतलब ह्यूमंस को हार्मफुल नहीं होते हैं जैसे कि प्लांट्स को और एनिमल्स में ऐसे बहुत कम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं जिनकी वजह से प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिसीज होता है ऑन अदर हैंड वास्ट मेजोरिटी ऑफ माइक्रोस प्रोवाइड बेनिफिशियल फैक्ट्स सच एज असिस्टिंग वाटर प्योरीफिकेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्टन फूड्स एंड मेनी आर इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अर्थ इको जैसे कि दूसरे हाथ में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं जैसे कि वाटर प्योरीफिकेशन में काम करते हैं कोई फूड तैयार करने में काम आता है या फिर जो हमारी इकोसिस्टम है उसको अच्छे से चलाने के लिए काम आता है तो इसलिए हमारे पुति तलाब पर दो प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं एक है हार्मफुल जो डिसीज कॉजिंग करते हैं और दूसरा है बेनिफिशियल जो इंडस्ट्री में बायोफर्टिलाइजर तैयार करने के लिए किए जाते हैं फूड्स तैयार करने के लिए किए जाते हैं एक्सेट्रा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूबिकेट इन नेचर दे आर प्रेजेंट ऑन आर बॉडी ऑल्सो इफ यू डू नॉट वॉश रेगुलरली दे कंटिन्यूली टू इंक्रीज इन नंबर ब्रेक डाउन फैट एसिड एंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस एन ऑर्डर बॉडी ऑर्डर देखो कब कभार हमें हमारी बॉडी का स्मेल आता है बॉडी का स्मेल इज नथिंग बट वॉट इट इज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस बॉडी के पार्ट पे ग्रो होते हैं और उसकी वजह से स्मेल आने स्टार्ट लगता है दे आर ऑल्सो फाउंड इन वेरी हाई नंबर इन द बॉल एंड वन ग्राम ऑफ फीस इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बेनिफिशियल टू ह्यूम एंड यूज एक्सटेंसिवली इन द फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्री एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस यूज टू मेक ब्रीड चीज यो गट एंड अल्कोहोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैंने बताया ये जो जीवाणु जंतु है ये ह्यूमन्स के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं और ये खास करके फूड एंड ड्रिंक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं जैसे कि चीज़ बनाने के लिए ब्रेड बनाने के लिए योगर्ट एंड अल्कोहल बनाने के लिए दे आर इंटीग्रल टू नेचुरल प्रोसेसेस वेयर दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल टू न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड बाय द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट उनके एक कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड उनके पास रख दे तो वो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल प्रोडक्ट में रूपांतर कर देते हैं इज द कलेक्शन ऑफ न्यूमरस सब डिसिप्लिन ईच ऑफ विच इज फोकस्ड ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रॉडर साइंस साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबोलॉजिस्ट माइक्रोबाइलॉजिस्ट मतलब क्या ऐसा साइंटिस्ट ऐसा पर्सन जो माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी करता है उसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोला जाता है द साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डेवलप्ड लेटर दैन अदर द बायोलॉजिकल साइंसेज मेनली बिकॉज नीडेड टूल्स सच एज माइक्रोस्कोप हैड टू बी डेवलप्ड टू डिलीवर बी थ्रू दैट माइक्रो ऑर्गेजम सब जो माइक्रोबायोलॉजी का साइंस है वो इतना ज़्यादा डेवलप हुआ है कि उसकी वजह से हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम ईजीली स्टडी कर सकते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे डिसिप्लिनस भी डेवलप हुए हैं सबसिक्वेंटली अर्ली माइक्रोस्कोपिक डिस्कवरीज मेथड्स फॉर प्योर कल्चरल रिकग्निशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वे डेवलपड एंड फ्रॉम दिस आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनॉर्मस यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोज वी कैन टू ओपन आउट जैसे कि बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं मैथड्स है माइक्रोबायोलॉजी में जिनका शोध जिनकी डिस्कवरी होने की वजह से हमें बहुत सारे टेक्निक्स पता चलती हैं जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना उनको आइडेंटिफाई करना उनको प्योर फॉर्म में लाना माइक्रोबायोलॉजी इज बेसिकली इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग एरियाज कौन कौन से एरियाज है देखते हैं पहला है बैक्ट्रोलॉजी बैक्ट्रोलॉजी मतलब क्या यहाँ पे हम बैक्टीरिया का स्टडी करते हैं वायरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायरसेस यहाँ पे हम वायरसेस का स्टडी करते हैं माइकोलॉजी में हम फंगाई का स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासिटिज्म का फंग स्टडी करते हैं माइक्रोवेल इकोलॉजी में हम जो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोब्स एंड एनवायमेंट का स्टडी करते हैं माइक्रोवेल मॉर्फोलॉजी में स्टडी ऑफ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोवेल टेक्जोनोमी में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स Microbial physiology may we have to study the metabolism of microbes at cellular and molecular levels. Microbial genetics, here we have to study the genetic material, structure, and function of microorganisms. Molecular biology. Here we have to study the biochemical reactions of microbial cells involved in the metabolism and growth. So these are some important basic areas of microbiology. So this is what the introduction to microbiology each so microbiology subject is very good uh, for the students and the society nowadays and it has very good scope in research in academia in industrial area in research and development area okay thanks a lot